अभी उनको इस विषय और इस पक्ष में दोहराया गया है। मैं अब इस विषय को, चूंकि सरकार ने इस बार अच्छा किया है कि सरकार ने बजट अभिभाषण और कृत कार्यों की एक कॉपी भी तैयार करके हम लोग को उपलब्ध कराई, मैं उसी में केवल जाता हूं कि सरकार ने पिछले वर्ष घोषित क्षेत्रीय 9 क्षेत्रीय भाषा, जिसमें नागपुरी, कुरमाली, खोटा, हो, संताली, कुड़ुक, मुंडारी, खड़िया, पंचपंग्या भाषाओं का एक एक भाषा केंद्र खोलने का निश्चय किया, जो पिछले बजट में मैं उस कृत कार्रवाई में जब उसको पट के देखते हैं तो उसका रिजल्ट है कि राज्य में 6 क्षेत्रीय भाषा और सांस्कृतिक पुनर्स्थापना केंद्र स्वीकृत है। गुमला, बोकारो, चाईबासा में एक केंद्र निर्मित हो चुका, उप केंद्रों को क्रियाशील करने की दिशा में सरकार कार्रवाई कर रही है। ये पिछले बजट के कृत पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक साल बाद की भाषाई आधार पर निर्मित दल और उसका नेतृत्व राजा जी, जिनको अपने इस राज्य के मूल विषय का शोध केंद्र, मुझे याद है ये 2011-12 का योजना है, नए रूप से चीजों को रखा गया है, जो हमारा चाईबासा में केंद्र खुला, जो बोकारो में केंद्र खुला, उसी समय लिंग आधारशिला हम लोग ने रखी थी। ये पूरा इस तरह केंद्र खोलना, रिसर्च सेंटर खोलने का एक मेरा प्लान था। आज ये चीजें वहीं पर खड़ी है, एक साल बाद भी एक कदम अपने मूल विषय पर गवर्नमेंट नहीं चल पाई। ये सरकार की सोच, नियत, निष्ठा, परिश्रम और समर्पण इच्छा शक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। मैं आता हूं तीसरे विषय पर। मंत्री जी ने कहा कि सरकार ने पोर्टल के माध्यम से आम जनता, विशेषज्ञों का सुझाव प्राप्त किया है, खासकर युवा वर्ग की सोच, अपेक्षा और आकांक्षा को समझने के लिए कई प्रकार के बजटीय गोष्ठियों का आयोजन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो वर्तमान बजट है इसमें ना राजा की सोच ना बजट में प्रतिलिखित होती है, ना ही इनके कोई कार्यक्रम में यह निहित दिखता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि रोजगार किस रूप से लोगों को मिलेगा, क्योंकि पिछले साल पूरा वर्ष रोजगार वर्ष के रूप में चिन्हित था। जब राजा घोषणा करेंगे तो हम मान लेते हैं और प्रजा भी मान लेती है कि पूरा पास एक साल 21-22 रोजगार आएगा, रोजगार का मौका मिलेगा, नियोजन होगा। तो मैं पूरे प्रदेश के जो विभाग है उनमें कुल स्वीकृत पद कितने हैं मैं खोजने लगा, सरकारी नौकरी जो स्वीकृत पद है वो 5,33,737। वर्तमान में कार्यरत लोग जो हैं उसमें 1,83,016, मतलब कुल सरकारी सृजित पद जो हैं, जो स्वीकृत हैं, उनकी संख्या 3,50,721, जो खाली है। बजट का भार वर्तमान 1,81,000 पर 16%, टोटल बजट का 16% 1,83,000 लोगों के वेतन, कर्मचारियों के वेतन पर जाता है। अगर सरकार को यह लगता या सरकार की मंशा यह होती तो यह बजट में दिखना चाहिए था। सरकार पिछले साल भी नहीं, आने वाले साल भी, मैंने वर्तमान साल में अगर नियोजन सरकारी पदों को भरना चाहती तो वो बजट में दिखता और यह प्रतिशत बढ़कर 48% कुल बजट का चला जाता है, यानी 32,000 करोड़ रुपया का उपवन इसमें रहता। क्योंकि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, जो बातें, जो अखबार में बातें और चर्चाएं हैं वो केवल झूठी दलील होंगी, आपके बजट में ये चीजें कहीं नहीं दिख रही है। माननीय सदस्य, क्या आपका समय समाप्त हो गया? मुझे
और इधर से 14 दिन में कुछ बोलने ना दीजिएगा, मुझे 12 बात बोलने दीजिए केवल। माननीय सदस्य, और शायद मैं बजट में तो बोलने का भी काफी अवसर है, काफी अवसर है। नहीं, मुझे पूरी बात केवल पूरी पूरा समय नहीं लेगा। आप एक एक दो मिनट में बोल, मैं एक पूरी 12 विषय टू द पॉइंट बोल के मैं छोड़ दूंगा। दो घंटा समय आवश्यकता है माननीय सुदेश जी, दो घंटा समय हम लोगों ने अतिरिक्त बढ़ाया, पूरी कर लूंगा। और सरकार में मंत्री को उत्तर भी देना है और इन लोगों को संथाल पर जाना भी है, सूचना है। दो मिनट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर ले, और कोई खबर है अगर आपके पास तो पहुंचाएं हम तक, हम पहुंचाएंगे सरकार तक।